अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको तंदूर की रोटी घर पे बनाना सिखाऊंगी। बड़े आसान तरीके से आपने सिंपल घर का जो आटा होता है ना, उसके साथ आपने रोटी बनानी है। मैं भी उसी आटे से रोटी बना रही हूँ जो घर में गूंदा हुआ सिंपल आटा होता है। ना मैंने इसमें खमीर डाला है, ना मैंने इसमें कोई मैदा डाला है, कुछ भी नहीं डाला। जो सिंपल आटा होता है ना घर में, चक्की का हो या फिर फाइन आटा हो, कोई भी आटा आप लगा ले जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं, उसी के साथ आपने ये रोटी बनानी है। सबसे पहले आपने पेड़ा करना है। अगर आपका पेड़ा गोल होगा ना तो आपकी रोटी गोल बनेगी, सबसे पहला स्टेप जो है। फिर आपने ये रोटी को गोल करना है। रोटी को गोल करके आपने इसके ऊपर पानी लगाना, पानी अच्छे से लगाना है। चारों तरफ आपने इसको राउंड में पानी लगाना है। अगर आप पानी अच्छे तरीके से नहीं ना लगाएंगे तो तवे के साथ रोटी नहीं चिपकेगी। अब रोटी को मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है। जब आपने तवे के ऊपर रोटी डालनी है तो फ्लेम इसकी इतनी ज़्यादा ना करें कि रोटी जल जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने रखनी है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपने तवे को पकड़ के उल्टा करके हीट के ऊपर, ये देखे मेरी जो हीट है मीडियम हीट पे मैं आप इसको सेक रही हूँ, लाल कर रही हूँ रोटी को। आपने भी इसी फ्लेम पे आपने रोटी को लाल करना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने चारों तरफ इसको घुमाना है ताकि रोटी को चारों तरफ से सेक पड़े और एक जैसी लाल हो रोटी। ये देखिए कितनी प्यारी रोटी बनी है, ऐसे लग रहा है जैसे हम तंदूर से ले के आए हैं। आपने भी इसी तरीके से रोटी बनानी है। इसको जब उतारना है ना आपने तवे के ऊपर से, बड़े आराम से आपने इसको चारों तरफ से पहले उसको हलाना है, वो उखेड़ना है, फिर आपने इसको उतारना है। कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है ये रोटी बनाने का, बस एक मेथड होना चाहिए। जब आपको भी बनानी आ जाएगी ना तो आपको भी बड़ा ये आसान लगेगा। तंदूर की रोटी आप घर में बड़े आसानी से बना सकेंगे। अब मैं दूसरी रोटी बनाने लगी हूँ, सेम उसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताई है, सिखाई है, उसी तरीके से मैं दूसरी रोटी बना रही हूँ। जाते जाते आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है किस किस की रोटी जो मैंने बताया तरीका उस तरीके से आपने बनाई है तो बड़ी अच्छी बनी है। आपने कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है, मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये देखिए मैंने तीन रोटियाँ तैयार कर ली हैं आपके सामने, इतने आसान तरीके से, कोई मुश्किल तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तवे के साथ ये चिपकी है रोटी, कुछ भी नहीं है। बड़ा आसान तरीका है जिस तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाई है। आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।